गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे भैया बहनों, आज हम आपको इस लेक्चर के माध्यम से यह बतलाएंगे कि किस तरीके से संपूर्ण यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, रूस, पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बुल्गेरिया, यह समस्त जितने भी देश थे उसमें किस तरीके से राष्ट्रवादी व्यापक प्रक्रियाओं को जन्म देने के लिए संपूर्ण जन समुदाय ने मिलकर कैसे कैसे उपाय किए और किस तरीके से कठिनाइयों का सामना किया, किस प्रकार से क्रांति को पूर्ण करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, उस कदम को उठाते समय कौन कौन से कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, यह इस लेक्चर के माध्यम से आप समझेंगे। आज हमारा ये मुख्य विषय ही है कि सामुदायिक प्रक्रिया के द्वारा जन समुदाय ने कैसे भुखमरी का सामना किया, कैसे उनके अंदर एक देश को आजाद कराने के लिए राजतंत्र की प्रक्रियाओं से खत्म कराने के लिए, राजतंत्र शाही व्यवस्था को नष्ट करने के लिए एक उदारवादी जन समुदाय का, प्रजातंत्र का निर्माण करने के लिए कैसा योगदान निर्वाह करते हैं, यह देखने को मिला। तो आप समझेंगे कि 1830 ईस्वी में संपूर्ण जन समुदाय यह प्रयास कर रहा था कि जर्मनी तथा फ्रांस यह दो मुख्य गुट ही ऐसे थे जिन्होंने दोनों मिलकर अगले आने वाले समय में विश्व युद्ध को जन्म देते हैं अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर। तो यह एक प्रमुख देश थे, दो गुट थे जिसमें से आप कह सकते हैं। तो इसके पहले यह प्रक्रिया देखने को मिली कि जितने भी 21 साल के पुरुष थे उनको मताधिकार करने का आदेश मिल गया और उस मताधिकार के द्वारा उन्होंने जन समुदाय के साथ मिलकर अपने साम्राज्य की स्थापना हेतु, यानी लोकतंत्र की स्थापना हेतु आगे आने का प्रयास किया। उसमें उन्होंने युद्ध, तमाम प्रकार के युद्ध हुए, उसमें खाने पीने की वस्तुओं की कमी होने लगी और अपने खान पान की व्यवस्था को ध्यान देते हुए उन लोगों ने बहुत ही कम समय में अपने आप को डेवलप करने का प्रयास किया और राष्ट्र को एक क्रांतिकारी मोड़ पर ले जाकर क्रांति को जन्म दिया, जिसमें उन्हें एक मीटिंग ही भोजन खाकर जीवित रहना पड़ा। यानी भोजन करने के लिए उनके पास इतना ज़्यादा आर्थिक तंगी आ गई कि एक समय रहने लगे और दूसरे मीटिंग में बिना खाना खाए ही जीवित रहते रहे। ऐसे या किसी भी वस्तु को खाकर ही, किसी भी भोज पदार्थ का ग्रहण करके ही जीवित रहे, इतना ज़्यादा आर्थिक तंगी आ गई, आर्थिक मंदी इसको कह सकते हैं। अगर हम अपने भारत की तुलना करें संपूर्ण यूरोप से, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के अनुसार, यह देखने को मिलता है कि संपूर्ण भारत में ऐसे राष्ट्रवादी क्रांति की भावना को जन्म हुआ, जो आपके अगले लेक्चर में आप देखेंगे, अगले लेसन में देखेंगे, जो थर्ड लेसन में आपका है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ऐसे है, उसी प्रकार से भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय है। तो उसमें आप देखेंगे कि भारत में कभी आर्थिक तंगी नहीं आया, परंतु विश्व में कई बार आर्थिक तंगी का सामना देखने को मिला है, जिसमें यूरोप पूरे आर्थिक तंगी से पहले विश्व युद्ध में वह एकदम नष्ट होने लगता है। तो उस चरमपंथवादी प्रक्रिया का ही एक प्रमुख कारण है, जिसमें सामंतवादी प्रक्रिया, जिसमें तमाम प्रकार की राजशाही व्यवस्थाओं का देखने को जन्म मिलता है, उसी के द्वारा यह प्रक्रिया देखने को मिलती है, ऐसा समझने को मिलता है। तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली, पोलैंड 1848 ईस्वी में यह समस्त लोगों ने लुई फिलिप, जो पेरिस फ्रांस में है, वहां के सम्राट के द्वारा यह देखने को मिलता है कि ऐसा व्यभिचारी सम्राट था जो कि उसने उस पर कब्जा बनाए हुआ था और वह चाहता था कि मैं राजतंत्र व्यवस्था को ही लागू रखूं, परंतु उसके खिलाफ यह समस्त लोग अग्रसर हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ये जितने भी जन समुदाय के लोग थे, फ्रैंकफर्ट नामक एक पार्लियामेंट है, एक संसद है, जहां पर जमा होते हैं अपने राष्ट्र की मांग करने के लिए, अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए, वहां पर जब जमा होते हैं तो 18 मई 1848 ईस्वी में सेंट पॉल गिरजाघर, जहां पर यह पार्लियामेंट का एक गठन किया गया था, पार्लियामेंट्री सभा का आयोजन किया गया था, वहां पर समस्त क्षेत्र के लोग, जो अभिजात वर्ग, मध्य वर्ग या निम्न वर्ग के लोग थे, जिन लोगों ने संपूर्ण रूप से भुखमरी, कठिनाइयां
आदि का सामना किया था, वहां पर इकट्ठा होते हैं, जिसमें महिलाएं तथा युवा जिनको मताधिकार करने को प्रदान किया गया था। हम आपको बता दें कि पूर्व में आपने जैसे अगर पिछली वीडियो में अध्ययन किया होगा कि किस तरीके से वहां पर जितने भी सामुदायिक लोग थे उनको मताधिकार करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये जो पूर्व की हमारी वीडियो क्लिप लेक्चर है उसमें आप यह देख सकते हैं अध्ययन करके कि उसमें हमने यह समस्त चीजों को चर्चा किया है। तो आप समझ पाएंगे कि केवल उन्हीं लोगों को मताधिकार देने का अधिकार था जो बहुत अधिक धनी लोग होते थे, जैसे सामंत होते थे, पादरी होते थे या बड़े बड़े ओहदे के लोग हुआ करते थे। केवल उन्हीं बहुत अधिक पैसे के जिनके पास होते थे वही मताधिकार कर सकते थे। क्यों ऐसा था? क्योंकि वह राजा के टट्टू हुआ करते थे, राजा के कह सकते हैं कि गुलाम हुआ करते थे, राजा के अधीन हुआ करते थे, इसलिए वही केवल मताधिकार कर सकते थे। इसलिए वह समस्त लोग यहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें कुछ सामुदायिक लोग भी थे, कुछ सामंत थे तथा कुछ निम्न वर्ग के लोग, एकदम कह सकते हैं किसान, श्रमिक, मजदूर, सब इकट्ठा हुए। और वहां इकट्ठा होने के बाद महिलाओं ने गिरजाघर, सेंट पॉल गिरजाघर के निकटतम स्थान पर, सबसे निचले स्थान पर अपने आप को घेर दिया और वहां पर सभा का आयोजन किया गया। सभा में प्रमुख रूप से 18 मई 1848 ईस्वी में जर्मनी असेंबली के लिए वोट देने की बात आती है, जिसमें 831 सदस्यों ने मिलकर जर्मनी को ही मुख्य रूप से जिताने, जर्मनी को कह सकते हैं कि पास करने के लिए, विजय दिलाने के लिए उसमें एकत्रित होते हैं, जो अलग अलग स्थानों से यह 831 सदस्य आए हुए थे। हम कह सकते हैं कि जो असेंबली का निर्माण है उसमें, जो असेंबली है उसमें हम कह सकते हैं अलग अलग प्रांतों से सब मिलकर आए हुए थे। फ्रेडरिक विलहेम यह वहां का उस समय जो सभा का आयोजन किया गया था उसमें का एक प्रमुख सदस्य था, एक प्रमुख कह सकते हैं कि पार्लियामेंट का एक वर्चस्व अध्यक्ष था और उसी के देखरेख में यह पूरा सभा का आयोजन किया गया था। 867 ईस्वी में जाकर हैबर्स तथा हंगरी यह समस्त स्वायत्त में आ जाते हैं, जिसमें अंततः यह देखने को मिलता है कि समस्त जन समुदाय के विद्रोह होने पर जब यह मान्य होता है कि फ्रेडरिक विलहेम तथा अन्य जितने भी उसके सदस्य थे यह पास नहीं करवा करने देते हैं कि जन समुदाय के लिए ही कार्य होना चाहिए, जन समुदाय के लिए ही सभी चीजें होनी चाहिए, या कह सकते हैं कि प्रजातंत्र का ही निर्माण हो सकता है। तब उस समय समस्त जितने भी जन समुदाय के लोग थे उसका विद्रोह कर देते हैं और बगल में गिरजाघर के बगल, सेंट पॉल गिरजाघर के बगल में ही एकत्रित हो जाते हैं एक बड़े जन समुदाय के साथ और बहुत तेज से नारे लगाने लगते हैं और उस विद्रोह कर देते हैं, जिससे वह घबरा जाते हैं और सभा खंडित होने लगती है। तो अंततः पार्लियामेंट में ऐसा घोषणा देना ही पड़ जाता है सम्राट को कि वास्तविक रूप से वह जन समुदाय के अंतर्गत ही कार्य करेगा। तो आप आगे वाली वीडियो में या हमारे अगले लेक्चर में समझ पाएंगे कि किस तरीके से राष्ट्रवाद का एक प्रादुर्भाव होता है और राष्ट्रवाद की प्रक्रिया पुनः वहां पर लागू होती है और कैसे जर्मनी में एकाधिकार होता है और इटली में कैसे एकाधिकार का जन्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।